और आइए अब देख लेते हैं सुपर 100। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की ईडी से मांग, 20 जनवरी को हुए बयान की रिकॉर्डिंग को रखें सुरक्षित। हेमंत सोरेन ने ईडी पर लगाए आरोप, पॉलिटिकल एजेंडे के तहत उन्हें किया जा रहा है परेशान। ईडी को आज नहीं मिला हेमंत सोरेन का कोई सुराग, सीएम के दफ्तर ने भेजा, कहा 31 जनवरी को रांची में होंगे पेश। ईडी टीम ने हेमंत सोरेन के दिल्ली के शांति निकेतन स्थित घर पर 11 घंटे तक किया सर्च, सीएम की पर्सनल गाड़ी से कई अहम दस्तावेज बरामद। सीएम हेमंत निजी काम से दिल्ली गए, 31 जनवरी को पूछताछ में होंगे शामिल, जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान। सीएम हेमंत सोरेन को जवाब देना ही होगा, ईडी की कार्रवाई पर बोले झारखंड के गवर्नर। हेमंत सोरेन के लापता होने की खबर फैला रही बीजेपी, झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का बयान। भगोड़े की तरह व्यवहार कर रहे सीएम हेमंत सोरेन, बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का निशाना। लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू यादव पर ईडी का शिकंजा, पिछले कई घंटों से हुए सवाल जवाब, ईडी दफ्तर के बाहर आरजेडी का प्रदर्शन। लालू की बेटी मीसा भारती ने कहा, आज हमारे साथ हुआ कल किसी के साथ भी हो सकता है, सरकार गिरफ्तार भी कर सकती है। लालू से ईडी की पूछताछ पर भड़की बेटी रोहिणी आचार्य, पापा को कुछ हुआ तो जिम्मेदार। ईडी स्वतंत्र संस्था, कानून सबके लिए बराबर, लालू से पूछताछ पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान। ये मामला पुराना, बीजेपी ने नया कुछ नहीं किया, लालू यादव को ईडी के संबंध पर बोले कुशवाहा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का तेजस्वी यादव पर तंज, बिहार के युवाओं को बताएं 1.5 साल में कैसे बनते हैं करोड़पति। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी आरएसएस को जहर जैसा बताया, कहा लोगों के हक छीन रहे, सब कुछ बर्बाद करने में लगे। नीतीश कुमार पर बोले खड़गे, एक व्यक्ति के जाने से गठबंधन कमजोर नहीं होता, कहा बीजेपी को हराएंगे। सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर आरोप, कोर्ट न देने पर ईडी सीबीआई भेजने की दे रही धमकी। टीएमसी का कांग्रेस पर निशाना, बार बार कहने के बावजूद सीट बंटवारे पर नहीं लिया फैसला। नीतीश कुमार ने गलत किया, एनडीए को होगा नुकसान, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का इंडिया अलायंस पर अटैक, कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों को किनारे करने की कोशिश की। इंडिया गठबंधन टेक ऑफ से पहले ही गिर गया, गुलाम नबी आजाद का निशाना। जेडीयू नेता केसी त्यागी का निशाना, कहा इंडिया ही गठबंधन को मजबूत करने में लगे थे और कांग्रेस बड़े पदों को हथियाने में। जेडीयू बीजेपी गठबंधन को लेकर बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, पीएम मोदी को बिहार के विकास की चिंता। संजय राउत का मोदी और शाह पर और नीतीश पर निशाना, कहा तीनों भूलने की बीमारी से जूझ रहे। नीतीश ने बिहार के विकास के लिए लिया फैसला, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान। आरजेडी सांसद मनोज झा का नीतीश पर अटैक, देश पर हुई भरोसे की हत्या, युवाओं में फैली है हताशा। कांग्रेस ने नीतीश की तुलना गिरगिट से की, जयराम रमेश बोले जेडीयू ने आखिरी समय में छोड़ा साथ, जनता देगी जवाब। तेजस्वी यादव के घर से डिप्टी सीएम की नेम प्लेट को अखबार से ढका गया, तस्वीरें आई सामने। नीतीश कुमार अपने पुराने घर लौट आए, अब कहीं नहीं जाएंगे, आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस का बयान। बिहार में राहुल की न्याय यात्रा को भारी समर्थन, राहुल बोले आर्थिक और सामाजिक न्याय के बिना देश प्रगति नहीं कर सकता। किशनगंज से राहुल गांधी का अटैक, आरएसएस बीजेपी की विचारधारा ने फैला रखी है नफरत। सीएम हेमंता पर कांग्रेस का पलटवार, दिग्विजय सिंह बोले असम में भी हारेगी बीजेपी। अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे असम सीएम, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान। राज्यसभा की 56 सीटों पर 27 फरवरी को होगा चुनाव, चुनाव आयोग ने किया ऐलान। चंडीगढ़ मेयर का चुनाव कल सुबह 10 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। दिल्ली नगर निगम सदन में बीजेपी पार्षदों का हंगामा, स्थायी समिति की गठन मांग पर प्रोटेस्ट, कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। पुष्पा सिंह बनी दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष, एआईसीसी ने की नियुक्ति। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को झटका, संजीव खजूरिया बीजेपी में शामिल। पीएम मोदी ने एग्जाम वॉरियर्स को सफलता के दिए टिप्स, का टेक्नोलॉजी को बोझ नहीं इसकी ताकत पहचाने, हर चुनौती को देता हूं चुनौती। पीएम मोदी ने छात्रों से कहा प्रेशर को खुद पर होने ना दें हावी, कंफ्यूजन में रहने की इससे बचें और निर्णायक बनने की आदत डालें। पीएम ने कहा कंपटीशन दूसरों से नहीं खुद से करें, छात्रों के लिए अच्छा खान पान और पूरी नींद भी जरूरी। बच्चे के रिपोर्ट कार्ड को अपना विजिंग कार्ड ना बनाए पेरेंट्स, पीएम मोदी की अभिभावकों को सलाह। आतंकी समूह सिमी पर यूएपीए के तहत 5 साल का और बड़ा प्रतिबंध, गृहमंत्री अमित शाह ने दी जानकारी। एलएसी पर स्थिर लेकिन संवेदनशील बनी हुई आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे का बयान। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में लागू होगा यूसीसी, विधानसभा सत्र में यूसीसी विधेयक लाएगी धामी सरकार, 2 फरवरी को कमेटी सौंपेगी ड्राफ्ट। यूसीसी पर विधानसभा सत्र बुलाकर फिजूल खर्ची करेगी सरकार, कांग्रेस नेता हरीश रावत का निशाना। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के साथ हुआ गणतंत्र दिवस समारोह का समापन, सेना के बैंड्स ने बजाई 31 अलग अलग धुन। गणतंत्र दिवस परेड में दिल्ली पुलिस को बेस्ट मार्चिंग दल का अवार्ड मिला, कल मिलेगी ट्रॉफी। अरब सागर में भारतीय नौसेना का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, आईएनएस सुमित्रा ने समुद्री लुटेरों से कराया बंधकों को मुक्त। दिल्ली सरकार ने नई सोलर पॉलिसी जारी की, सीएम केजरीवाल बोले पैनल लगवाने वालों का बिजली बिल फ्री किया जाएगा। दिल्ली के सभी सरकारी बिल्डिंग पर 3 साल में सोलर पैनल लगाए जाएंगे, सीएम केजरीवाल ने दी जानकारी।
गारंटी देता हूं देश में 7 दिनों में लागू होगा सीएए। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने किया दावा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले देश में लागू होना चाहिए सीएए, एनआरसी घुसपैठिया, रोहिंग्याओं को लगेगा बुरा। सीएए को लेकर ममता बनर्जी का केंद्र पर निशाना। पश्चिम बंगाल के लोगों से कहा अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराएं ताकि दिल्ली वाले आपको बाहर ना निकाल सके। हमारी कानून व्यवस्था में हस्तक्षेप ना करे बीएसएफ। सीएम ममता बनर्जी की दो टूक। सीएए भेदभाव करने वाला कानून। एआईएमपीएलबी बोर्ड के प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास का बयान। सीएए पर बोली बंगाल की मंत्री शशि पांजा, चुनाव को देखते हुए दे रहे ऐसे बयान। सीएए पर राजनीति करती रही है बीजेपी। केंद्रीय मंत्री को प्रमोद तिवारी का बयान। सीएए के खिलाफ महाराष्ट्र के मुसलमानों को एकजुट करेगा ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल। 2 दिन में करने वाली है बड़ी बैठक। महाराष्ट्र स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट से मिली 2 हफ्ते की राहत। 15 फरवरी तक देना होगा एनसीपी विवाद का निर्णय। महाराष्ट्र सरकार ओबीसी आरक्षण पर कोई आंच नहीं आने देगी। मंत्री उदय सामंत ने दिया भरोसा। मराठा आरक्षण को लेकर सरकार में मचे घमासान पर बोले अरविंद सावंत, ये लोग आपस में ही लड़ रहे, रिजर्वेशन का नहीं सोच रहे। मराठा आरक्षण पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की असहमति पर बोले फडणवीस, किसी भी समुदाय के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। मराठा आरक्षण मंत्री छगन भुजबल नाराज। ओबीसी जातियों से किया आह्वान, 1 फरवरी को अपने सांसदों विधायकों को दे मांग पत्र। कर्नाटक के मांड्या में बीजेपी का प्रदर्शन, कई कार्यकर्ता हिरासत में, भगवा ध्वज हटाने पर विरोध। सीएम सिद्धारमैया बोले बीजेपी बना रही बेकार के मुद्दे, चुनाव के कारण इसका कर रही राजनीतिकरण। मानेसर लैंड डील मामले में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा से पूछताछ पूरी, फिर समन जारी कर सकती है ईडी। मुंबई मोदक गुट के नेता रविंद्र वायकर से ईडी की पूछताछ, जोगेश्वरी लैंड घोटाले में हुए सवाल जवाब। पंजाब बीजेपी के नेता अरविंद खन्ना को ईडी का समन, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 30 जनवरी को बुलाया। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर रही गिरोह, सुप्रीम कोर्ट में अब अप्रैल में होगी सुनवाई। आंध्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, चंद्रबाबू नायडू की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। जम्मू कश्मीर पन बिजली परियोजना मामले में सीबीआई का एक्शन, दिल्ली जम्मू में छापे। अयोध्या के राम मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा, परिसर में भक्तों के लिए व्यवस्थाओं का लिया जायजा। राजस्थान से अयोध्या पहुंची 2 आस्था स्पेशल ट्रेन, अगले 2 महीने में 1000 आस्था ट्रेन अयोध्या जाएंगी। लोकसभा चुनाव से पहले वोटर्स को साधने में लगी महाराष्ट्र बीजेपी, अयोध्या के लिए 200 स्पेशल ट्रेन की करेगी बुकिंग। कड़ाके की ठंड के बावजूद अयोध्या में श्रद्धालुओं का तांता, रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे भक्त। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर की पानी की बौछार। ये तालिबान पुलिस जो ममता के इशारे पर चलती है, सुकांता मजुमदार का निशाना। नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर में फोटो वीडियो शूटिंग पर प्रतिबंध, परिसर के ऊपर ड्रोन उड़ाना भी बैन। तिरुवनंतपुरम में महिला कांग्रेस वर्कर्स का प्रदर्शन, विजयन सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। एमपी के शाहपुरा में तैनात एसडीएम निशा शर्मा रहस्यमय परिस्थितियों में मृत मिली, परिवार ने निशा के पति पर लगाया हत्या का आरोप। जम्मू कश्मीर के बारामूला में 2 पद्रवी गिरफ्तार, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत भेजा गया जेल। जम्मू कश्मीर पुलिस का एक्शन, बडगाम में लश्कर आतंकी के सहयोगी का घर कुर्क किया गया। पुणे में एक सीएनजी कार में अचानक लगी आग, फायर ब्रिगेड ने तुरंत आग पर पाया काबू। दिल्ली के वजीराबाद में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में लगी आग, 204 व्हीकल और 250 बाइकें जलकर खाक। जम्मू कश्मीर के सांबा में एक पेट्रोल पंप पर लगी भीषण आग, धू कर उठी लपटे। राजस्थान विधानसभा में उठा हिजाब का मुद्दा, कांग्रेस विधायक रफीक खान बोले छात्रों को हिजाब पहनने से रोका गया। सीएम भजनलाल से हिजाब पर बैन लगाने की मांग करूंगा, कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का बयान। इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ की कार्रवाई, ड्रग्स तस्करी को किया नाकाम, 2 बांग्लादेशी गिरफ्तार। मुंबई के मलाड ईस्ट में 4 झोपड़ियों में अचानक लगी आग, दमकल की 4 गाड़ियों ने पाया काबू। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी, पीर पंजाल की पहाड़ियों पर बिछी बर्फ की चादर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी, सड़कों से लेकर घरों के ऊपर तक बर्फी बर्फ। जम्मू कश्मीर के गुरेज में 7-8 इंच तक गिरी बर्फ, रास्ते हुए बंद, मैकेनिकल और हॉस्पिटल इंजीनियरिंग विभाग ने हटाई बर्फ। अमेरिका ने 2023 में 1.4 मिलियन भारतीयों को जारी किया वीजा, भारत में अमेरिकी दूतावास ने दी जानकारी। अगले साल जीडीपी ग्रोथ करीब 7% रहने का अनुमान, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट जारी की। सेंसेक्स 1240 अंक बढ़कर 71,941 पर बंद हुआ, निफ्टी भी 385 अंक उछला। डॉलर के मुकाबले रुपए में 3 पैसे की गिरावट, $1.8314 पर रहा। रविंद्र जडेजा और केएल राहुल इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में बाहर, सरफराज खान, सौरभ कुमार और वॉशिंगटन सुंदर की भी एंट्री। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया का टाइटल ट्रैक आउट, एक्टर शाहिद कपूर ने फिल्म को बताया फैमिली एंटरटेनर। एक्ट्रेस प्रीति सेनन ने फिल्म को बताया अलग, फूल एंटरटेनमेंट से भरी है फिल्म।